तो पाकिस्तान के तीन के हिसाब से नंबर साथ प्रॉब्लम प्रॉब्लम है है और और मैं एक और बात बता दूं कि क्या कहते हैं उसको मुसीबत एक और है देर इज अनदर प्रॉब्लम जो कि हस्तैन भाई यानि कि देख भी रहे हैं नहीं भी देख रहे समझ में भी आ रहा है नहीं समझ में आ रहा नवाज शरीफ के बनते हैं तीन अब अद के हवाले से बता रहा हूँ पाकिस्तान के बनते हैं तीन इमरान खान जो है वो डिस्प्यूटेड अदद है यानी कि तीन और एक और चार के बीच में क्योंकि इमरान खान है वो खान भी लगाता है और वो बोलते भी हैं इमरान खान सब तो वो भी अदद चढ़ता है एक का भी चल रहा है द प्रॉब्लम इज के अगर तीन का टाइम भारी है ठीक है ना तो नवाज शरीफ तो नहीं आएगा ठीक है ना और इसका मतलब शायद तब्दीली भी आ रही है क्योंकि एनआर होगी जल्द से निकल रहे हैं सड़कों पे कल को अगर पुलिस ने पचास आदमी मार दिए पूरा मुल्क सड़कों पे होगा एक एग्जांपल दे रहा हूं नगर ऐसा होना है ऐसा दे, नजर आ रहा है जी, 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 लेकिन द मेन थिंग के दोनों तरफ तीन तीन की आदत है एक दूसरे के बिल मुकाबिल पाकिस्तान के भी तीन है नवाज शरीफ के भी तीन है ठीक है ना एंड नाउ दॉब्लम आर्मी के अपने आदत कितने हैं? फौज की कितने आदत है अब इतने आदत तो मैं पांच सौ निकाल भी जब लेता आदत आठ आठ बिल्कुल वो एक मुतजाद है तीन का उसका कंट्रोल ही रहेगा कुछ भी कर लो तीन की हसनैन भाई को पता है तीन और आठ की शादी करा दो शादी चलती नहीं है लाजिम टूट जाती है टूट जाती है hmm. अब मुसीबत यह है कि एक तरफ फौज भी है दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब हैं तीसरी तरफ जो है पाकिस्तान खुद तीन की अदद है आठ को बीच में से काट दो तो तीन रह जाता है पीछे यानी कि बीच में से चाक कर दो लेकिन मुसीबत यहाँ यह है कि तीन का मसला यह है कि इनकी बन ही नहीं सकती फ़ौज से नवाज़ शरीफ हमेशा इस वजह से मुसीबत हुई है फ़ौज की वजह से नवाज़ शरीफ की हिस्ट्री देख लो आप पॉलिटिक्स में लाने वाली भी फौज थी जनरल जियालक ठीक है ना लाने वाली भी फौज थी लेकिन उसके बाद से अब तक आज दिन तक वो फौज ही के साथ मसला रही है उसके साथ हमेशा मसला रहा है